पर मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त आरजे रेखा क्रिस्टल वॉइस और आज मैं आपको ले चलूंगी कहां कांजीरंगा नेशनल पार्क असम। जी हां, असम का ये नेशनल पार्क है जहां पर बहुत कुछ खास है। कांजीरंगा नेशनल पार्क भारत के असम राज्य के गोलाघाट और नागांव जिले में मौजूद है। एक बहुत ही फेमस नेशनल पार्क है ये कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, जो है वो दुनिया का एक ऐसा नेशनल पार्क है, एक ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जो एक सींग वाले गैंडों की सबसे ज्यादा आबादी यानी कि दो तिहाई आबादी के लिए मशहूर है। अगर 2015 की बात करें तो यहां पर गैंडों की जो संख्या थी करीब 2400 बताई जाती थी और 1985 में इस जगह को, इस राष्ट्रीय पार्क को विश्व विरासत स्थल के रूप में घोषित किया गया है। कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की संरक्षित और निरंतर जैव विविधता इसे बेहद खास बनाती है, जिसकी वजह से ये पार्क कई तरह से कह सकते हैं टूरिस्ट के लिए अट्रैक्शन बना हुआ है और यहाँ पर बहुत तरह के जीव पाए जाते हैं। भारतीय बाघों का घर भी कहा जाता है इसे और कांजीरंगा के जो अलग अलग वाटर बॉडीज हैं या जंगल में जो अलग अलग जगह पार्क की खूबसूरती है वो बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही खास है और इसीलिए यहाँ पर टूरिस्ट हर वक्त पहुंचे होते हैं, आते हैं और यहाँ की खूबसूरती का मजा लेते हैं। तो क्या कुछ है यहाँ पर देखने लायक, सब कुछ बताऊंगी इस पार्क के बारे में आज आपको। और आज एक खास दिन भी है जिसके बारे में मैंने सुबह कहा था कि मैं आपको तस्वीर में बताऊंगी। आज है वर्ल्ड राइनो डे, यानी कि जो एक सींग वाला गैंडा होता है उसका दिन, और इसीलिए आज इसको क्यों मनाया जाता है ये सब कुछ मैं आपको बताऊंगी। खास बहुत कुछ है इस सफर में, लेकिन उसके लिए आपको रहना होगा पूरे सफर में मेरे साथ। लेकिन हम आपको ऐसे ही नहीं रखेंगे, बहुत प्यारे प्यारे गीत भी सुनवाएंगे। तो लीजिए शुरुआत करते हैं एक प्यारे से गीत के साथ और इस सफर में ऐसे ही आगे बढ़ते चलेंगे। जुड़े रहिए 100.1 मेगाहर्ट्ज एफएम गोल्ड पर आपकी दोस्त आरजे रेखा क्रिस्टल वॉइस के साथ। Thank you.
लिख लिया नाम इस पे तेरा। कांजीरंगा के साथ एक कहानी भी जुड़ी है। कहा जाता है कि 16वीं शताब्दी के दौरान एक संत विद्वान श्रीमंत शंकर देव ने एक निसंतान दंपति थे जो कांजी और रंगाई, इन्हें आशीर्वाद दिया था और उन्हें कहा था कि वो अगर इस जगह पर तालाब बनाए तो दुनिया हमेशा उनका नाम याद रखेगी, उन्हें जाना जाएगा उनके नाम से, और इसीलिए उन्होंने यहां पर एक तालाब भी बनवाया था। लेकिन सच्चाई क्या है ये तो हमें नहीं पता, ये एक प्रचलित किंवदंती है। खैर, 1 जून 1905 की अगर हम बात करें तो 232 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र को कांजीरंगा प्रस्तावित रिजर्व फॉरेस्ट बनाया गया था। इस जगह को 1908 में रिजर्व फॉरेस्ट घोषित किया गया था। इसका नाम बदलकर 1916 में कांजीरंगा गेम रिजर्व रख दिया गया। बाद में 1950 में इस पार्क को कांजीरंगा वन्य जीव अभ्यारण्य बना दिया गया। 1968 में असम राष्ट्रीय उद्यान अधिनियम पारित हुआ और कांजीरंगा को राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर दिया गया। 11 फरवरी 1974 को इस पार्क को भारतीय सरकार ने आधिकारिक मान्यता प्राप्त हुई और फिर कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान का नाम यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में शामिल कर दिया गया। बहुत कुछ है इस जगह के बारे में। अगर मैं बात करूं कि ये जाना क्यों जाता है तो कांजीरंगा नेशनल पार्क एक सींग वाले गैंडों के लिए और जंगली पानी वाली भैंस यानी कि वाइल्ड वाटर बफेलो और पूर्वी दलदली हिरन, दुनिया में जो सबसे ज्यादा आबादी पाई जाती है वो यहीं पर पाई जाती है, इसी के लिए फेमस है। और इस नेशनल पार्क में कुल मिलाकर करीब 35 के करीब स्तनधारी प्रजातियां पाई जाती हैं, लेकिन इनमें 15 अब तक कहा जाता है कि वो खतरे में हैं जिनको संजोने की जरूरत है। इसके अलावा कांजीरंगा पार्क में पाए जाने वाले काफी सारे और भी जानवर हैं जैसे हाथी, गौर, सांबर, जंगली सुअर, बंगाल लोमड़ी, गोल्डन सियार, आलसी भालू, भारतीय मोरजैक और ग्रे नेबला, छोटा भारतीय नेबला, बहुत सारे ऐसे जानवर हैं जो यहां पर मिलते हैं। इसके साथ ही एक सींग वाले गैंडे, जैसा कि मैंने आपको बताया, जंगली भैंसे, दलदली हिरन, एशियाई हाथी और शाही बंगाल बाघ सबसे ज्यादा यहां पर पाए जाते हैं। कांजीरंगा में हर 5 वर्ग किलोमीटर में एक बाघ पाया जाता है, ऐसा कहा जाता है। और इसके अलावा पार्क में जंगली बिल्लियों की आबादी भी करीब 100 से आसपास है। तो अगर आपको इन सबको देखने का शौक है तो आप यहां जा सकते हैं। अगर कांजीरंगा में पाए जाने वाले पक्षियों के बारे में बात करें तो इनमें सफेद सामने वाले हंस और इसके अलावा फेरुगिन डक, बेयर पोचर्ड बतख और काले गर्दन वाले सारस, एशियाई ओपन बिल कॉर्क, बेलीथ के किंगफिशर, सफेद बेल वाले बगुले, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि आपको यहां पर मिलेंगी। नेशनल पार्क में गिद्धों की भी बहुत सारी प्रजातियां यहां पर देखने को आपको मिल सकती हैं, जिनमें इंडियन वल्चर और सिलेंडर बिल वल्चर भी शामिल है। तो आप अगर चाहें तो इन्हें भी यहां पर देख सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको कांजीरंगा जाना तो होगा ना। लेकिन यहां पर बहुत कुछ है इसके अलावा भी,
क्या कुछ है बताऊंगी, यहाँ की वनस्पतियों के बारे में, यहाँ की और भी बहुत सारी सफारी के बारे में, चीजों के बारे में, लेकिन इस सफर में गीतों के साथ साथ जुड़े रहिए एफएम गोल्ड पर। कभी
कभी। और मिलती है जिंदगी में मोहलत कभी कभी, और अगर आपको मोहलत मिले तो आपको यहाँ जरूर जाना चाहिए जहाँ पर आज मैं आपको घुमा रही हूँ। जी हाँ, कांजीरंगा। कांजीरंगा की बात कर रही हूँ मैं, और यहाँ की रिचनेस ऑफ डाइवर्सिटी हर साल यहाँ आने वालों को बहुत आकर्षित करती है, और इसीलिए तो यहाँ पर हर वक्त कहीं ना कहीं से पर्यटकों का आना जाना लगा रहता है। इसके साथ यहाँ पर जाने वालों को बहुत ही शांति का अनुभव मिलता है। इस नेशनल पार्क में ब्रह्मपुत्र नदी की बाढ़ से घिरा हुआ एक क्षेत्र है, जिसकी वजह से यहाँ पाए जाने वाले पौधों, जानवरों और पक्षियों को मदद मिलती है। और अगर मैं बात करूं कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में वनस्पतियों की, तो तीन तरह की खास तौर पर यहाँ वनस्पतियां पाई जाती हैं, जिनमें कई तरह की घास शामिल है, बड़े घास, छोटे घास, और यहाँ इसके अलावा उष्णकटिबंधीय आर्द्र और सदाबहार वन भी यहाँ पर पाए जाते हैं। यहाँ पर बहुत ज्यादा वातावरण को खूबसूरत बना देती है यहाँ की कमल, जलकुंभी और जल लिली, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो यहाँ पर आप देख सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर सफारी की बात करूं तो यहाँ हाथी और जीप की सफारी की सुविधा भी है, जो कि यहां आने वालों को एक अलग ही अनुभव देती है। तो अगर आप कांजीरंगा नेशनल पार्क में सफारी यात्रा करना चाहते हैं यहां पर, जो कि यहां के मेन अट्रैक्शंस में से एक है, तो आपको यहां जीप सफारी करने को भी मिल सकती है। कांजीरंगा नेशनल पार्क में दुनिया भर की सभी लुप्त प्राय प्रजातियों के लिए संरक्षित वातावरण बनाया गया है, जहां पर आप अलग अलग तरह के पशु पक्षी और स्तनधारियों को देख सकते हैं। और इसके साथ ही कांजीरंगा नेशनल पार्क में जीप सफारी या आधुनिक एसयूवी सफारी से भी आप यात्रा कर सकते हैं। कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में जीप सफारी में आप जिन जानवरों को देख सकते हैं, उनमें भारतीय गैंडा, जंगली भैंसा, भारतीय हाथी, काला भालू, सांबर, मैकॉक, स्लोथ बेयर और जंगली सुअर जैसी बहुत सारी प्रजातियां आपको देखने को मिल जाएंगी। तो इनके अलावा भी आप यहां पर प्रवासी पक्षियों को देख सकते हैं जो यहां पर माइग्रेटेड हैं और यहां रहते हैं। और इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं, जब आप इनको देखेंगे तो ये सारी चीजें आपको बहुत उत्साह से भर देंगी। और यहां का जो समय रहता है जीप सफारी का, वो सुबह 7 बजे से और 9:30 बजे तक रहता है करीब करीब, और दोपहर में 1:30 बजे से 3:30 बजे तक के आसपास होता है। तो अगर आप जीप सफारी करने का मन बनाते हैं तो थोड़ा सा समय आप एक बार फिर से वहां कंफर्म करके तभी आगे जाएं। और अगर आप हाथी पर सवारी करना चाहते हैं तो कांजीरंगा में हाथी पर बैठकर भी आप जंगल की सैर कर सकते हैं, और इस जंगल में आपको बहुत सारे जानवर तो दिखेंगे ही, अलग अलग नजारे भी आपको नजर आएंगे। सुबह शाम दो बार आपको ऐसा करने का मौका यहां पर मिल सकता है, और थोड़ा सा यहां पर शुल्क देना पड़ता है इस सफारी के लिए, तो वो आपको पता करना होगा कि कितना है, और उसके बाद आप यहां पर उस सफारी का मजा ले सकते हैं। समय वही रहता है हाथी की सवारी अगर आप करना चाहते हैं तो, सुबह 5:30 बजे से 7:30 बजे तक और दोपहर में 3 बजे से 4 बजे तक यहां पर ऐसा आप कर सकते हैं। तो अगर आपको कभी भी मौका मिले तो जंगल में ये सफारियों का आनंद आप जरूर लें, और इसके बाद कांजीरंगा में और क्या क्या है देखने के लिए वो सब कुछ आपको बताऊंगी। फिलहाल ये गीत सुनते हैं और उसके बाद इस सफर में थोड़ा और आगे बढ़ेंगे। तुमको हमारी उम्र लग जाए, तुमको हमारी उम्र लग जाए, तुम्हें और क्या दूं मैं दिल के सिवा, तुमको हमारी उम्र लग जाए, तुमको हमारी उम्र लग जाए।
छोटे से ब्रेक के बाद मैं वापस आऊंगी. आप जहाँ भी जाएं सुनते रहें एफएम गोल्ड. Think IIT, Think Vidya Mandir. Think IIT, Think Vidya Mandir. Register today for Vidya Mandir Intellect Quest on 14th and 15th October. Think IIT, Think Vidya Mandir. भारत निर्वाचन आयोग के कार्यक्रम मतदाता जंक्शन में आज लेकर आएंगे रिकैप ऑफ द एंटायर सीरीज एफएम गोल्ड 100.1 शाम 7:25 से. Think IIT, Think Vidya Mandir. 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 Register today for Vidya Mandir Intellect Quest on 14th and 15th October. Think IIT, Think Vidya Mandir. मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की. महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार. मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ. तो सुनिए इस महीने 24 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर. माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर. मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर. तो याद रखें रविवार 24 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात. आकाशवाणी एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर मैं हूं आपकी दोस्त आरजी रेखा क्रिस्टल वॉइस. और आज इस सफर में हम ले चले हैं आपको कांजीरंगा नेशनल पार्क जो कि असम में स्थित है. और इस जगह की बहुत ही अलग और निराली बात है क्योंकि यहां पर आपको बहुत सारे ऐसे जानवर देखने को मिलेंगे जो कि आपने कहीं और नहीं देखे होंगे और जिनके लिए खास तौर पर जाना जाता है. एक सींग वाला गैंडा भी यहां पर आप देख सकते हैं जिसके लिए स्पेशली इस पार्क को जाना जाता है. और भी बहुत कुछ इस पार्क के बारे में बताऊंगी जरूर आपको, लेकिन इस गीत के बाद सुनते रहिए एफएम गोल्ड आपकी दोस्त रेखा के साथ. Thank you.
ये जानवर जंगल में भले ही नाचते हों, वहां भले ही खुश रहते हों, लेकिन उनकी प्रजातियों को संरक्षित रखना हम सभी का कर्तव्य है। गैंडों की 5 दुर्लभ प्रजातियों की सुरक्षा के लिए हर साल 22 सितंबर को विश्व गैंडा दिवस मनाया जाता है, यानी वर्ल्ड राइनो डे के रूप में इसे जाना जाता है। हर साल गैंडों की बहुत सारी प्रजातियों को और उनके सामने आने वाले खतरे के बारे में जागरूक करने के लिए लोगों को ये दिन मनाया जाता है। और अगर मैं बात करूं कि गैंडे अलग अलग तरह के, जैसे कि ग्रेट वन सिंह वाला जानवर गैंडा, जावन, सुमात्रान, काले और सफेद गैंडे की प्रजातियां, जिनको सुरक्षित और संरक्षित रखने के लिए इस दिन को मनाने की जरूरत सामने आई थी। पिछले कुछ समय की अगर बात करें तो गैंडों की आबादी में भारी गिरावट आ रही थी और इसीलिए गंभीर रूप से लुप्त प्राय राजसी जानवर को बचाने और जानवरों के बारे में जागरूकता फैलाने का प्रयास करने के लिए हर साल इस दिन को मनाया जाता है। और इसके जरिए बहुत सारे गैर सरकारी संगठनों, चिड़ियाघरों और आम जनता को खास तौर से कई तरीकों से गैंडों के सम्मान का मौका मिलता है। कई वर्षों से ऐसी चीजें हुई जिनसे इन जानवरों का कहीं ना कहीं लुप्त होने के कगार पर ये पहुंच गए, अंत होता चला गया, और इसी वजह से इस दिन को मनाने के लिए 2010 में जागरूकता बढ़ाने और गैंडों की 5 दुर्लभ प्रजातियों को विलुप्त होने से बचाने के लिए WWF दक्षिण अफ्रीका द्वारा इस दिवस की घोषणा की गई थी और हर साल इसे मनाया जाता है। पहली बार 2011 में इस दिन को मनाया गया था और इस तब से लेकर अब तक ये दुनिया भर में हर साल 22 सितंबर को मनाया जाता है। क्या आप जानते हैं कि गैंडों के बारे में कुछ खास बातें होती हैं कि उनका जो सींग होता है, जो एक सींग आप देखते हैं सामने, वो केराटिन से बना होता है और जो गैंडे होते हैं वो आंशिक रूप से देख नहीं पाते। 98 फीट की दूरी तक वो चीजों को देख सकते हैं और वैसे वो शाकाहारी होते हैं, सिर्फ घास खाते हैं, और इनका जो खुद का आकार होता है वो इनके मस्तिष्क के सामने काफी छोटा होता है और जमीन पर तेजी से चल सकते हैं, ये छोटी जगहों पर तेजी से घूम सकते हैं ये, और इसके अलावा भी बहुत सारी खासियतें होती हैं गैंडों में और देखने में तो ये बहुत ही खूबसूरत लगते हैं, ये तो आप जानते ही हैं। तो मैं भी आपसे यही कहूंगी कि इन जीवों के लिए जागरूकता सभी के पास होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ऐसी प्रजातियां आम इंसान को देखने के लिए शायद किसी चिड़ियाघर या फिर ऐसे ही नेशनल पार्क्स में मिल सकती हैं, और अगर वो भी ना रही तो फिर हम इन खूबसूरत जीवों को भला कैसे देख पाएंगे। तो बहुत जरूरत है कि आज के दिन को अगर हम सेलिब्रेट करें और अपने बच्चों को, अपने आसपास के लोगों को इन खूबसूरत जीवों के बारे में जागरूक करें। वैसे तो कांजीरंगा में बहुत कुछ है जानने के लिए, देखने के लिए, लेकिन यहां पर आप किस मौसम में जा सकते हैं, कब जा सकते हैं, कैसे पहुंच सकते हैं, सब कुछ आपको बताऊंगी गीतों के साथ साथ। तो जुड़े रहिए इस सफर में, तस्वीर का ये सफर, आज सैर कांजीरंगा की। तेरे हो गए हम, प्यार में तेरे खो गए हम, मिल गया मुझको ऐ सनम जिंदगी का बहाना। साहिल पर मुस्कुराते जाने एक संग नाम पर चल, ओ सनम तेरे हो गए हम, प्यार में तेरे खो गए हम, जिंदगी खो गए हम, दम आ गया मुस्कुराना। चुप सुनती है ये हंसी अफसाना, देखते हैं तारे बस गए
सनम तेरे हो गए हम, प्यार में तेरे खो गए हम, मिल गया मुझको ए सनम जिंदगी का बहाना। सनम तेरे हो गए हम, प्यार में तेरे खो गए हम, मिल गया मुझको ए सनम जिंदगी का और आपको मैं बता दूं कि अगर आप कांजीरंगा उद्यान में जाते हैं तो यहां पर आपको बहुत सारे तरह के रेस्टोरेंट्स के ऑप्शंस मिल जाएंगे। आप यहां पर बहुत कुछ खा सकते हैं, असमिया जो फूड है जैसे लक्सा खा टेंगा के साथ कुछ मछली से बने हुए व्यंजन भी आप यहां पर खा सकते हैं, चावल से बने हुए व्यंजन, और इंडियन फूड की बहुत लंबी लिस्ट आपको यहां पर मिलेगी जो कि आप इंजॉय कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो यहां पर पहुंचना कैसे है ये जानना बहुत जरूरी है। कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो दुनिया भर में हर साल काफी बड़ी मात्रा में लोग यहां पर पहुंचते हैं, तो अगर आप बाय एयर यहां पर पहुंचना चाहते हैं तो कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जाने के लिए जोरहाट शहर में सबसे करीबी जो हवाई अड्डा है जिसकी दूरी इस पार्क से 96 किलोमीटर है, इसके बाद कांजीरंगा के सबसे पास है हवाई अड्डा गुवाहाटी में जो इससे 225 किलोमीटर दूर है। इन हवाई अड्डों पर नियमित उड़ानें आपको मिल जाती हैं, तो दुनिया भर के बड़े देशों से भारत जो है यहां से बहुत अच्छी कनेक्टिविटी है। आप अगर चाहें तो कहीं से भी आप यहां आसानी से पहुंच सकते हैं। अगर आप बाय ट्रेन यहां पर जाना चाहें तो कांजीरंगा से सबसे पास जो रेलवे स्टेशन है वो फुरकिंग में है जो कि 80 किलोमीटर की दूरी पर है, और ये रेलवे स्टेशन देश के सभी बड़े शहरों के साथ बहुत अच्छी कनेक्टिविटी रखता है। इसके अलावा कांजीरंगा के पास गुवाहाटी रेलवे स्टेशन भी है जहां पर आप पहुंच सकते हैं। और अगर मैं बात करूं बाय रोड यानी सड़क मार्ग से जाने की तो कांजीरंगा दुनिया के प्रमुख शहरों से, इस देश के भी प्रमुख शहरों से नेशनल हाईवे के थ्रू जुड़ा हुआ है। हाईवे 37 यानी इसकी मदद से आप पहुंच सकते हैं यहां पर, और इस मार्ग पर कई तरह की जो प्राइवेट एंड पब्लिक ट्रांसपोर्ट आपको मिल जाएगा, बसेस मिल जाएंगी जो कि आपको यहां तक सीधे पहुंचा सकती हैं, तो आपको जब भी वक्त मिले आप यहां पहुंच सकते हैं। और इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं कि कांजीरंगा में पहुंचने का मतलब जाने का सबसे अच्छा कौन सा वक्त है जब आप यहां पर जाएं और इस जगह को एंजॉय करें, तो वो होता है 1 मई से 31 अक्टूबर तक जो यहां पर पार्क है वो बंद रहता है, और इसके अलावा नवंबर से अप्रैल तक कांजीरंगा की यात्रा जो है वो सबसे अच्छी होती है। गर्मियों की अगर बात करें अप्रैल से मई में तो यहां पर इस दौरान जलवायु थोड़ी सी शुष्क और तेज हवाओं वाली होती है, और जो यहां के वाटर बॉडीज हैं वो काफी जानवर वहां पर आपको मिल जाते हैं देखने के लिए, तो अगर आप गर्मियों में जाएंगे तो आपको पानी के आसपास जानवर देखने को मिल सकते हैं। और अगर मैं बात करूं मानसून की तो जून से लेकर सितंबर तक यहां पर भारी बारिश होती है, और इस कह सकते हैं कि इस वजह से जलवायु जो है वो काफी गर्म और आर्द्र बनी रहती है। ब्रह्मपुत्र नदी में बाढ़ की चेतावनी की वजह से पार्क जो है वो मई से अक्टूबर तक बंद रखा जाता है, और सर्दियों में यानी नवंबर से फरवरी तो कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की यात्रा के लिए ये शायद सबसे अच्छा वक्त आपके लिए हो सकता है, क्योंकि यहां की जलवायु हल्की और शुष्क है। सर्दियों में गैंडों को देखने की संभावना ज्यादा होती है क्योंकि घास काफी हद तक कम होती है और काफी जमीन साफ होती है, तो आपको यहां पर इनकी ज्यादा मात्रा देखने को मिल सकती है, तो अगर आपको कभी वक्त मिले तो आप इसके अकॉर्डिंग अपना यहां जाने का प्लान करें। और फिलहाल ये गीत आपको सुनाती हूं और उसके बाद आपसे लूंगी थोड़ी देर के बाद विदा कुछ और बातों के साथ, लेकिन फिलहाल ये गीत आपके लिए।
आपकी आंखों में कुछ महके हुए से राज है, आपकी आंखों में कुछ महके हुए से राज है, आपसे भी खूबसूरत आपके अंदाज है, आपकी आंखों में कुछ महके हुए से राज है। लब हिले तो मोगरे के फूल खिलते हैं कहीं, लब हिले तो मोगरे के फूल खिलते हैं कहीं, आपकी आंखों में क्या साहिल भी मिलते हैं कहीं, आपकी खामोशियां भी आपकी आवाज है, आपकी आंखों में कुछ महके हुए से राज है, आपसे भी खूबसूरत आपके अंदाज है, आपकी महके हुए से राज है। आपकी आंखों में कुछ महके हुए से राज है, आपसे भी खूबसूरत आपके अंदाज है, आपकी आंखों में कुछ महके हुए से राज है। दोस्तों, भारत के जंगलों में शानदार हाथी की चिंगाड़, मोर का नाच, ऊंट की सैर, शेर की दहाड़, लाखों पक्षियों के चहचहाट सुनने और देखने के लिए अगर आप सोचते हैं कि कहां जाना चाहिए, तो भारत में जंगली जीवों की बहुत बड़ी संख्या है। यहां जंगली जीवों को देखने देश विदेश से लोग आते हैं और भारत में 70 से ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान है, 500 से ज्यादा जंगली जीवों के अभयारण्य हैं और इसके अलावा पक्षी अभयारण्य यानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं। तो आप जहां पर भी जाएं जा सकते हैं। असम का कांजीरंगा आज हमने आपको घुमाया, तो अगर आपके पास कभी वक्त हो तो इस जगह की सैर का एक बार जरूर मौका अपने आप को दीजिएगा। वैसे आज के सफर में तो